एक फोन कॉल, क्या महज एक फोन कॉल किसी की जिंदगी उजाड़ सकता है? मुंबई में रहने वाली वर्षा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनजान शख्स उसे कॉल करता है, उसे सुनसान जगह पर बुलाकर उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है और उसके बाद वर्षा अपने आप को खत्म कर लेती है। हेलो जी, मैं उनकी पत्नी वर्षा बोल रही हूँ। क्या? लेकिन वो तो आज ही अबू धाबी के लिए। शायद कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं आ रही हूँ। जी, मैं अभी आती हूँ। की आत्महत्या ने कई सवालों को जन्म दिया था। आखिर क्या हुआ था वर्षा के साथ? उसे फोन कॉल करने वाला वो शख्स आखिर था कौन? और ऐसी क्या वजह थी कि वर्षा इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई? ऐसे कई सारे सवालिया निशान खड़े हुए थे जिनका जवाब अब पुलिस को ढूंढना था। देखो मैडम, आपके पति को अरेस्ट तो किया गया है ना, और वो भी रेड हैंडेड। आप चाहे ना मैडम तो अपने पति को अभी बचा सकती हैं। कैसे? बस मुझे खुश करना है। कौन था ये इंस्पेक्टर गावड़े जो झूठ बोलकर मासूम औरतों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था? शुरुआती जांच के बाद पुलिस को लगभग यकीन हो चुका था कि वर्षा वानखेड़े और नेहा मिश्रा के केस में मुजरिम एक ही शख्स। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।